ट्रैक भी कितना गजब होता है ना भाई। देख लो कैसे कैसे ये कटा हुआ है, कैसे कैसे इसका इंजीनियरिंग हुआ हुआ है। इट्स क्रेजी। कभी कभी मैं सोचता हूँ भाई कितना मेहनत लगता होगा इन लोगों को बनाने में। देखो ये घुमा हुआ भी, और ट्रेन जो होती है इसी ट्रैक पे चलती है। वेल मैं बता देता हूँ मैं कहाँ हूँ। Zero time so fantastic everybody, your hero is here with another super duper crazy vlog. I hope you all are sexy. वहाँ पे ट्रेन लगी हुई है, ये रेलवे स्टेशन और मैं हूँ रेलवे ट्रैक पे। मैं पिछले एक महीने से कंटिन्यू व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैं पर डे मतलब कि रेगुलर व्लॉग्स वाले ने मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या नहीं कर रहा हूँ मैं वो नहीं दिखाता था। मैं कुछ अलग दिखा रहा हूँ पर डे। पिछले एक महीने से मैं कुछ डिफरेंट कंटेंट ढूंढता था और उसको शूट करता था। सो अब ये बहुत हार्ड हो रहा है क्योंकि रोज रोज मैं एक ही जगह पे रहता हूँ भाई। मैं कहाँ कहाँ से कंटेंट ढूंढू। तो मैं स्टार्ट किया हूँ यहाँ से। मैं क्या करता हूँ, क्या जंगली बना करता हूँ, मैं तुमको सब कुछ दिखाऊंगा मैं पूरे दिन क्या करता रहता हूँ। उसी के लिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ रेलवे स्टेशन से। बड़ा दूर से मैं चल के आ रहा हूँ यार, थक गया। तो सामने ट्रेन और मैं हूँ रेलवे स्टेशन पे। कुछ करेंगे मटर गश्ती, इट्स गोना बी क्रेजी। और मेरे व्लॉग्स पर डे रात 8 बजे आते हैं शो की तरह। कभी कभी लेट हो जाता है तो 8 बजे के बाद भी हो जाता है। तो तुम आना और देखना, इसके लिए तुम सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स बिगिन द स्ट्रीट। मेरे को ऐसे डर भी लगता है कहीं ना मेरे पीछे से ट्रेन आ जाए और मेरे को ठोक के निकल जाए। एक ट्रेन पायलट तैयार हो गए। एक ट्रेन चलाने के लिए कितने सारे पायलट होते हैं। देखो तुमको एक एकदम क्रेजी बात बताओ। देखो मेरे पीछे रेलवे स्टेशन और आगे एयरपोर्ट। देखते हैं कोई फ्लाइट लैंड करता है या टेक ऑफ करता है कि नहीं। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट। हाय दादी। ये देखो रेलवे स्टेशन के साइड में घास फूस वाला जंगल, छोटा जंगल, उसके बाद है एयरपोर्ट। ये अंकल खड़े हुए हैं ग्रीन और रेड झंडा लेके। चलो पूछते वो कर क्या रहे हैं। यार ट्रेन का साउंड रिवर्स क्यों आता है। ट्रेन आ रहा है यहाँ पे से लेकिन आवाज़ सुनाई देते है पीछे से। और से पीछे से भी आ रहा है, आगे से भी आ रहा है। ओहो देखो अब ये पास देंगे उसको ग्रीन। अंकल ये होता क्या है वैसे, ये हरा झंडा दिखा के क्या होता है? फिर बताता है। और रेड वाला? रेड वाला हाँ खतरा बताता है। ओहो रेड मतलब आप रुक जाइए ट्रेन को। थैंक यू अंकल। यार ये वाली रेड वाली ट्रेन क्रेजी थी यार, क्या स्पीड था उसका। लेकिन अंदर पता नहीं चलता, अंदर से अगर तुम देखोगे तो लगता है कि धीरे 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 चल रहा है, बट बाहर से यार इट्स क्रेजी भाई, बहुत तेज था। मैं यहाँ पे एक व्लॉग शूट किया था, मैं यहाँ पे जिम कर रहा था मतलब कि वर्कआउट कर रहा था और वहाँ पे साथ में लोग देख रहे थे। मैं यहाँ आई बटन पे डाल दूंगा, तुम जाके देखो। ऊपर चढ़ के मैं तुमको दिखाता हूँ बगल से एरोप्लेन। ये वाली ट्रेन अब निकल पड़ी धीरे धीरे, और वहाँ से फ्लाइट है। देखो फ्लाइट आ रही है। चलो My hands stable, I feel able to turn the tables. I could do this, just keep moving, keep your hands up, stupid. I feel lucid, a new view, and I can see the end. I can see my future, I can view it. It's right there for the. तो हम लोगों ने एक फ्लाइट उड़ते हुए देख लिया टेक ऑफ करते हुए। वहां से एक और ट्रेन आ गई। यार मैं ट्रेन के ऊपर हूँ, देखो ये ट्रेन है और मैं इसके ऊपर हूँ। क्रेजी, अब दोनों खत्म हो जाएगा। भाई मैंने देखा कि पंछी उड़ रहा था बीच एयरपोर्ट पे। कितना डेंजर है ना।
ये गर्मी वाली हवा चल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं लू चल रही है भाई, ये किसी को लगेगा ना तो उसका तबीयत खराब हो जाता है। अब निकलने का टाइम है घर, क्योंकि भाई बहुत तेज लू चल रहा है, फिर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा तबीयत खराब हो गया तो। देख रहे हो विंडो पे सब कुछ टांग दिए, क्या बेटा तो अंकल ने मेरे को कहा कि जो सामने से लड़का है उसको पकड़ के मेरे को दो, वो ऑलरेडी दो लड़के को पकड़े हुए थे और तीसरे को भी दिए। मेरे को लगा वो लोग कुछ गलत काम करते होंगे इसलिए वो पकड़ रहे हैं, मे भी पुलिस होंगे या कुछ होंगे, बट मेरे को नहीं पता। और हाँ तुमको मैं एक बात बताता हूँ, ये पटना एयरपोर्ट इतना डेंजरस क्यों है, पटना एयरपोर्ट इतना डेंजरस इसीलिए है ना भाई, वो बहुत छोटा एयरपोर्ट है और बगल में चिड़ियाखाना है, दो रीज़न है इसलिए पटना एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है भाई। वो बहुत छोटा है, वहाँ पे और कोई भी इंटरनेशनल प्लेन या बड़ी प्लेन लैंड नहीं कर सकती, और बगल में चिड़ियाखाना है मतलब पटना जू है, जिसकी वजह से पंछी रहते हैं और जिसकी वजह से बर्ड्स अटैक हो जाता है। अभी मैंने तुमको दिखाया था शायद, मे भी कैमरा में कैच नहीं हुआ, बट पटना एयरपोर्ट पर बर्ड्स पंछी उड़ रहे थे भाई, कितना डेंजरस है ना, कितने लोगों की जान जा सकती है, कितने लोग खतरे में है, तो इस चीज को सुधारना पड़ेगा यार, कैसे होगा नहीं पता। ये है इंजन, इंडियन रेलवे इंजन, तो अभी ये रेड है, मैं जल्दी से इसके पीछे थंबनेल ले, मेरे को जल्दी लेना पड़ेगा, भागो, मैं थंबनेल शॉट के लिए ट्रेन के पीछे कर रहा हूँ। देखो इसी ट्रैक पे ट्रेन भी है, इसी ट्रैक पे मैं भी हूँ, सो अब हट जाता हूँ भाई, डेंजरस ज्यादा कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे ट्रेन के पटरी का काम हो गया। जो देखो यही था वीडियो, मैंने तुमको दिखाया रेलवे स्टेशन पे मस्ती और भी ट्रेन के बारे में कुछ नॉलेज, और पटना एयरपोर्ट इतना डेंजरस क्यों है। सो भाई बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है और ये लू चल रहा है जिसकी वजह से मेरा तबीयत खराब हो सकता है, और मैं लिटरली पीछे फेंका रहा हूँ, और तुम हवा देख लो कितना तेज है। सो टीम रेडी ला ज्वाइन करना, और देखो तुम लोग रात में थक के आते हो, कोई भी स्कूल से आता है कोचिंग से आता है उसके बाद वो लोग थक जाता है, इसलिए मैं रात में ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ कि तुम लोग देखो और इंटरटेन हो जाओ। सो क्रेजी रोज रात में आता है, तुम सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना, और एक काम कर दो यार टीम जेडीला ज्वाइन कर दो, क्योंकि ऐसा पागलपन ऐसा ताकत और ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ टीम जेडीला के पास है, आई बटन भी लिंक है जाके ज्वाइन करो। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट तकड़े तकड़े वीडियोस ब्लॉग्स के साथ, स्टे सेक्सी। ट्रेन एयरपोर्ट क्रेजी, सब मेरे को घूरने लगता है, मैं इतना तेज बोलता हूँ ना, आगे तक छोड़ दीजिएगा। अरे पैसा नहीं है तो भैया, वीडियो क्यों नहीं कर रहे मेरा, अरे व्लॉग शूट कर रहे थे, व्लॉग नहीं यार, देखो लिफ्ट मिल गया मेरे को, थैंक यू वंस अगेन।